है का तू जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज हम जो मेकअप करने लगे हैं वो है मैरून के साथ गोल्डन, गोल्डन कॉपर को हम मिक्स करके तो लगाएंगे साइड पे मैरून कलर। पहले मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया है, फिर मैरून लिया है, और फिर उसके साथ हम थोड़ा सा डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड जो है वो मिक्स अप करते जाएंगे, और ये हालो आईज जो है वो हम क्रिएट करेंगे आज यहाँ पे। ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, आप देख रहे हैं सेंटर में मैंने स्पेस छोड़ दी है क्योंकि फुल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर से वैसे ही हमने क्रीज को कट कर लेना है। तो ये देखिए, हम डार्क ब्राउन लिया मैंने, ठीक है, ग्रेजुअली हमने डार्क शेड पे जाने, हमने एकदम से कभी भी डार्क शेड अप्लाई नहीं करना, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करें और इसको फिर डार्क पे लेके जाएं, ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ऐसे ही आपको बोलती हूँ, और ये रूल भी यही है आईज के मेकअप का। तो ये देखिए, अब हमने थोड़ा सा वो डार्क ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा ब्लैक लिया है, और ये देखें इसको मैं जो है वो मिक्सअप कर रही हूँ उस कलर के साथ। अब मैं क्रीज जो है वो कट करूँगी, निशान लगाऊँगी कहाँ तक, ठीक है। ये देखें, क्रीज को कट कर लिया मैंने। अब जो ऊपर वाला हमारे एजिज हैं तो उनको हमने वो सॉफ्ट सा कलर लेके तो उसके साथ हमने ब्लेंड करना है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा हार्श लुक नहीं चाहिए हमें, तो वरना आईज़ जो है बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। देखिए, मैंने लाइट सा मस्टर्ड शेड लिया है और मैंने कॉर्नर्स को ब्लेंड कर दिया, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों शेड जो है पहले डार्क लगाऊंगी फिर लाइट ऊपर लगा के। ये देखिए, अभी मैंने कॉपर शेड लगाया है, फिर मैं इसके ऊपर ये देखिए हल्का सा मैंने गोल्ड शेड लगाया, तो ये बहुत खूबसूरत शेड बन गया था। नीचे मैंने ग्रीन कलर दिया है, ऊपर भी मैंने ग्लिटर से ग्रीन कलर के जो ग्लिटर है वो मैंने लगाया, बहुत खूबसूरत आउट क्लास लग रहा था ये मेकअप, लाइव देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखें, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, अपनी ब्राइड्स पे भी ट्राई किया करें। और मैंने हल्का सा मिस रोज़ के ग्लिटर है तो मैंने हल्के से सेंटर में इसको दे दिया, तो ये देखिए कैसे शाइन कर रहा है, बहुत ब्लिंक कर रहे थे ये ग्लिटर्स और बहुत खूबसूरत लग रहा था। नीचे भी मैंने डॉट डॉट में सीलर के साथ मैंने जब ऊपर लगाया ना सीलर में मिक्स करके लाया ये ग्लिटर को, तो मैंने लगाया तो नीचे भी मैंने हल्के से डॉट डॉट लगा दी, वैसे लग रहा था जैसे स्टोन लगे हुए, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इंशाल्लाह जी अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।